Oh, no. Nah. Bluetooth mode. Device Pad. mm-hmm <clears throat> ओम हरि ओम हरि हियो शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यं जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं भये दाम जा ज्ञान अंधकार पहाम हस्ते स्वाटिक मालिका विदधति पद्मसने संस्थितां वन्दे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुरीं ऐं ह्रीलिक् एं ऐ औचायवरट् लण् यमगणनं जभ य घदश जबदश जब खपचटचट तौ कपय स स सर माहेश्वराणी सूत्र कल के पाठ में पूर्व के पाठ में हमने कुछ सूत्रों की चर्चा की थी उदाहस्थ स्तंभ पूर्व से तस्मात्र आदे पर झरोझरी सवर्णे खरीद पांच सूत्रों को कल लिया था पांच सूत्रों को लेने का लगातार कारण ये भी था कि इन सूत्रों का एक दूसरे सूत्र से संबंध था ऐसा कई विद्यार्थियों को लग रहा था कि एक साथ पांच सूत्र लिए तो वो लेने इसीलिए जरूरी थे क्योंकि एक ही रूप की सिद्धि को लेकर ये रूप थे उदयस्था स्तंभों में उदय उपसर्ग से पर में स्था स्तंभ आया था उसकी व्यवस्था के लिए फिर तस्मादि उत्तर से सूत्र आया था उसने कहा था कि पंचमी निर्देश के कार्य पहले हम सप्तमी निर्देश के कार्य को तस्वीन इति निर्दिष्टे जो इकोअणची के बाद सूत्र आया था वहाँ व्यवस्था नहीं बन रही थी वो हमने देखा था यहाँ पंचमी निर्देश कार्य है अर्थात पंचमी विभक्ति कुछ आई है उसकी दृष्टि से कार्य कहाँ हो कैसे हो ये व्यवस्था नहीं बन रही थी इस व्यवस्था को बनाने के लिए तस्मा आया था तो ये उसके बाद आधे परस्य सूत्र आया था आधे परस्य ये स्पष्ट कर रहा था कि परस्य तो आपने कह दिया कि पर को कार्य हो जाए पंचमी निर्देश कार्य वर्णों का कोई अव्यवधान हो अर्थात व्यवधान ना हो और पर में कार्य हो जाए लेकिन पर में कहाँ हो जाए पर में तो पूरा का पूरा शब्द बैठा है स्थान बैठा है उधर स्तंभ बैठा है सकार के स्थान पे करें तकार के स्थान पे करें मकार के स्थान पे करें या भकार के स्थान पे करें यदि स्तंभ लें और यदि स्थान लें उद धन स्थान तो सकार के स्थान पे करें थकार के स्थान पे करें आकार के स्थान पे करें या नकार के स्थान पे करें तो ये व्यवस्था समझ नहीं आ रही थी तो सामान्य सूत्र हम पहले पढ़ के आए थे अलोअत्य अलंत्य सूत्र में ये कहा था कि भाई षष्टि निर्दिष्ट जो कार्य हो उसको आप अंतिम अल के स्थान पर कर दो अंतिम अल के स्थान पर कर दो तो हमने जो सामान्य बात पढ़ के आई थी तो हमारे दिमाग में आया कि स्थान में और स्तंभ में भी जो अंतिम अल हो अर्थात अंतिम वर्ण जो हो क्योंकि अल प्रत्यार में सारे वर्ण आ गए उसके स्थान पर कर दो लेकिन नहीं वो व्यवस्था ठीक नहीं होती रूप अनिष्ट बन जाता और ये प्रक्रिया ग्रंथ है और लघु सिद्धांत कौमदी रोप रूप को लेकर ही विचार कर रही है तो उसके लिए आधे परस्य सूत्र आया था आधे परस्य सूत्र ने कहा कि यदि परस्य कोई कार्य कहा जाए अर्थात पर में कोई कार्य किया जाए कहा जाए कि आप पर में कोई कार्य कर दे पर का मतलब यहाँ पर क्या है यहाँ पर दो ही दिशा है वर्णों की एक पूर्व है एक पर है पूर्व में तो दकार बैठा ही है उद्ध धन स्थान में दकार पूर्व में बैठा है धन चिन्ह के पॉजिटिव चिन्ह के प्लस चिन्ह के और बाई तरफ तो इसके दकार बैठा है और दाई तरफ अर्थात उत्तर में इसके स्था शब्द बैठा है और स्थान शब्द बैठा है तो इनको दृष्टि में रखते हुए फिर ये कहा था आदे परस्य ने कि पर के जो पर के लिए जो कार्य किया कहा जाए उस पर के लिए कहे गए कार्य को आपको उसमें जो उसका आदि वर्ण हो अर्थात परस्य विहितम परस्य यद विहितम परस्य, परस्य पर के पर के स्थान पर यद जो विहितम विहित भीट किया गया हो तत् तत्श्य तत्मने वह तस् वह उसके आदेरबोम आदि वर्ण के स्थान पर हो जाए अर्थात स्थान के सकार और स्तंभ के सकार के स्थान पर हो जाए क्योंकि स्थान में आदि वर्ण तो सकार ही है और स्तंभ में भी आदि वर्ण सकार ही है तो इस तरह से उनके स्थान पर हो जाए तो हमने फिर देखी थी सादृश्यता क्योंकि स्थानीय अंतरतः महासूत्र क्या कहता था कि जब भी आप कोई आदेश करने जा रहे हो तो आप आदेश करने के समय पर स्थानकृत सादृश्यता देख लो और जो सा जो सदृशतम जो वर्ण आपको मिल जाए उस सदृशतम वर्ण को आप वहाँ बैठाइए सामान्य नहीं बैठाइए तो दकार के दकार का सवर्णी क्या था पूरे का पूरा वर्ग था तकार दकार धकार नकार ये सब तथा थ द न ये सब सवर्णी है और सकार के स्थान पे बैठाना है तो जब हमें सकार के स्थान पर बैठाना है तो सकार के भी हमने स्थान भी देखे सकार का हमने सब कुछ देखा और उसके साथ साथ जो है हमने उधर जो तवर्ग जो है तवर्ग के भी जितने भी वर्ण थे उनके सबके हमने स्थान देखे तो स्थानगत सादृश्यता की व्यवस्था नहीं बैठी तो फिर हम आभ्यंतर प्रयत्न में गए और आभ्यंतर प्रयत्न से भी हमारी जब व्यवस्था नहीं बैठी तो फिर हम बाह्य प्रयत्न में गए क्योंकि सदृश्यतम करना था तो उसकी दृष्टि से सकार के स्थान पर हमने थकार बैठा दिया था झरोझरी सवर्ण ने सवर्ण झर परे रहते झर का लोप कर दिया था एक पक्ष में लोप होता था एक पक्ष में नहीं होता था तो इस दृष्टि से चला फिर खरीचा सूत्र कहता था कि झलों से में यदि आपको कोई खर मिल जाए तो उसको चर आदेश कर दीजिए तो यहाँ तक की यात्रा हमने कल तय की थी और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार दो रूप उत्थानम उत्थम्बनम बने और यदि इन्होंने लोप पक्ष के दिए हैं और लोपा भाव पक्ष के देखो तो दो रूप और बन जाएंगे एक थकार इत्यादि उसमें और बड़ा आपको मिल जाएगा तो इस तरह से हमने चार रूप बना दिए थे लघु सिद्धांत कोमदी में वस्तुतः दो रूप दिए गए थे इन्होंने लोपा भाव वाले को बना दिया और लोप पक्ष को इन्होंने नहीं दिखाया था हमने लोप पक्ष को भी दिखा दिया था उत्थान और उत्थम्ब ऐसे करके हमने दोनों रूप दिखा दिए थे तो यहाँ तक कि हमारी पद लाने के लिए उसमें मकार और जुड़ गया था यहाँ तक की यात्रा हमारी कल तय हो गई थी अब आगे की ओर बढ़ते हैं आगे सूत्र प्रस्तुत हो रहा है जयो होन्या तरश्याम हो देखो ये सूत्र प्रस्तुत हो रहा है यहां पर जयो होन् तरस्याम तर सूत्र है हमारा आठ चार बासठ कल एक विद्यार्थी पूछ रहा था हमसे गुरुजी वो सूत्र आने वाला है अब तो मैंने कहा कौन सा सूत्र बोले जयो हो अंतर शाम मैंने कहा अंतर शाम अच्छा आपके अंतर में शाम रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कल की ही बात है यार गुरु जी कल तो वो सूत्र आएगा जयो हो अंतर शाम अंतर में शाम मैं क्या ठीक है अंतर में शाम तो कोई दिक्कत नहीं है शाम अंतर में होने चाहिए लेकिन उच्चारण ये नहीं बनेगा उच्चारण कुछ और है तो इसके उच्चारण में कई बार क्या है जीव जो पहली बार पढ़ते हैं वो घूम जाती है तो चाहो तो ये वक्ता को छूट होती है चाहो तो ये जो इंग पदान्ता दत्ती का जो अवग्रह चिन्ह यहाँ पर होता है चाहे तो आप इसको अकार लेके बोल सकते हो चाहो तो इसको नहीं उच्चारित करो उत्तम तो ऐसे ही मानते हैं वैयाकरण लोग कि इसको इसी तरह उच्चारण करो झयो होन्य यानी आकार को अलग से दिखाओ मत झयो होन्य मतलब इसके आकार को अलग से नहीं लेकिन यह भी ठीक माना जाता है झयो हो अन्य आकार भी यदि आपने बोल दिया तो अशुद्ध उसको भी नहीं कहेंगे क्योंकि वक्ता की विविक्षा होती है बोलने की वो उपवक्ता की विविक्षा से वो तोड़ के भी बोल सकता है संधि के अनुसार लेकिन सामान्यतः झयो होन्य तरह से आम बोलो यानी आकार को ना ही निकालो उसमें से ऐसा भी अभ्यास किया जा सकता है चलो ये तो ठीक है अब इसमें सबसे पहले हम पद देख लेते हैं एक पद है इसमें झय झ पद है पंचमी का ये झया है झया से झयो बना अब आगे विसर्ग संधि आ ही रही है तो विसर्ग संधि में विसर्ग कहाँ ओकार में बदल जाता है कहाँ रेफ कैसे क्या परिवर्तन होते हैं ये अभी विसर्ग संधि आने ही वाली है विसर्ग संधि में सूत्र बहुत कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आएगी तो ये पंचमी का एक है ये वस्तुतः झया है इस तरह का पद है ये झया से झयो बना है संधि के नियम से जो आप आगे पढ़ेंगे और ये हो भी इसी तरह से आप अभियंग पदांत पढ़ के आइए पढ़ के आया ये हय है इस तरह से ये सष्टी का है और अन्य तरह श्याम ये आप जानते अव्यय है आप पहले भी देख के आए हैं इसको ये बड़ा भला है ये पद बहुत भला पद है वाह का भी वही मतलब है विभाषा का भी वही मतलब है और अन्य श्याम का भी वही मतलब है क्या मतलब है महाराज से विकल्प से कार्य आज पुस्तक भूल गए कोई बात नहीं।, नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात वो तो आपको वैसे ही याद है उसमें कोई ऐसी बात नहीं आप तो पुराने व्यक्ति हैं <coughs> तो पद हमने इसमें देख लिए तीन पद इसमें है सूत्र में अभी हम पहले सूत्र पर ही दृष्टि डाल रहे हैं अनुवृत्ति भाग को हम उसी क्रम से चलते हैं उसी सिद्धांत को लेकर पहले सूत्र पर दृष्टि डालते हैं और सूत्र के बाद फिर हम देखते हैं कि वृत्ति में जो हमें नए पद दिखाई दे रहे हैं यानी सूत्रेशु अदृष्टम पदम जो सूत्र में अदृष्ट हैं और वृत्ति में हमें दिख रहे हैं तो वो कहीं से आए हैं कहीं से आए हैं अर्थात अनुवृत्त हैं अनुवृत्ति तो सिद्धांत हम वही लेके चलते हैं तो झ हमें दिख रहा है सूत्र में है हमें दिख रहा है अन्य तरश्याम भी हमें दिख रहा है एक पंचमी है एकष्टी एक पंचमांत है एक ठीक एक है अब हमारा दूसरा क्या है कि सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि सूत्र का एक ओवरव्यू सा हमें मिल जाए कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है तो कुछ ऐसा कहना चाह रहा होगा कि झय एक प्रत्याहार है और वो पंचमी दिख दिया तो यानी इस प्रत्याहार से परे कोई बात कही जाएगी क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हैं आधे परस्य इत्यादि और आप अभी तस्मादि उत्तरस्य आदि सब पढ़ के आए हैं उसमें तो और क्लियर हो गई ये बात वैसे तो अर्थ करना आपको पहले ही बता दिया था लेकिन ये बताया हमने किसके अनुसार था इसी के अनुसार बताया था ना तस्मादि उत्तरस्य के अनुसार ही या आधे परस्य के अनुसार ही इन्हीं के अनुसार बताया हुआ था तो वो तो स्पष्ट देख के आ गए कि पंचमी निर्देश का कार्य होता है अभी तो यानी पर की बात होगी यानी उससे पर ऐसी कोई बात आएगी फिर ये हा है तो ये तो सिंपल हकार की एक बात है यानी एक ही हकार है और तो सष्टी का है तो उसके स्थान पर कुछ परिवर्तन होना होगा और अन्य तरह से हम कह दिया तो दो रूप बन जाएंगे अर्थात तो विकल्प से कार्य हो जाएगा सामान्य कार्य नहीं अब हम चलते हैं इसकी वृत्ति की तरफ तो जब हम इसकी वृत्ति की तरफ चलते हैं तो वृत्ति में देखते हैं झ तो ठीक है इसमें हास्य भी ठीक है ये पूर्व सवर्ण इत्यादि ये सब कहाँ से निकल के आ गए क्योंकि पूर्व सवर्ण है तो उसमें था नहीं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो अभी आगे सूत्र आने वाला है इस सूत्र का क्रमांक है आठ चार बासठ इसके पहले एक सूत्र है अष्टाध्यायी में इसके पहले लघु सिद्धांत कौमदी में इसके बाद क्रम है लेकिन अष्टाध्यायी में जो है वह है आठ चार अट्ठावन जो सूत्र है एक अनुस्वार यही पर सवर्ण यहाँ से ये सवर्ण की अनुगृति आ रही है ये जो आपको इसमें नई चीज दिखाई दी सवर्ण में अभी कल कोई कह रहे थे कि ये जो फेसबुक पर जाता है उसको यूट्यूब पे भी डाले तो अभी थोड़ा शुरू किया है जैसे आज का कल का कोई वीडियो हुआ तो वो अभी यूट्यूब पे भी कहीं मिल जाएगा आपको वो लिंक हम आपको भेज दिया करेंगे अभ्यास के लिए ये वर्ण एक पद है तो ये सवर्ण जो पद आ रहा है ये आपका एक सूत्र आएगा आगे अष्टाध्याय क्रम में वो पहले ही है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण अनुस्वारस्य यही ये सूत्र आपका है अनुस्वार से यही परसवर्ण इससे आप कभी अभी ये तो पुस्तक में ही दिया हुआ है पता चल रहा है यहाँ से आठ चार अट्ठावन है वैसे यदि आप आपके पास ये गोपाल दत्त पांडे वाली तो है ही इसमें आप देख भी सकते हैं इसमें आप कई बार ये देख सकते हैं कि कौन सा सूत्र कौन से क्रमांक से उठ के आ रहा है यहाँ तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण सामने है दो चार सूत्र छोड़ के ही दिख ही रहा है तो पता चल रहा है कि चलो ये तो यहाँ से आ रहा है अच्छा एक तो इसमें सवर्ण की अनुवृत्ति यहां से आ रही है एक हमें इसमें पूर्व से भी एक नया पदसा दिखाई दे रहा है पूर्व से पूर्व से भी दिखाई दे रहा है तो उदय स्था स्तंभ पूर्व से आपने अभी पढ़ाई है ये वहां से आ रहा है स्तंभ पूर्व से तो आपके पुस्तक में अभी आपके पीछे ही गया है आठ चार इकसठ पर बैठा है तो ये दो पदों की तो ऐसे अनुवृत्ति आ रही है ठीक है और अब सुत अर्थ हमें करने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली है अब सीधे सीधे हम वृत्ति पर ध्यान दे देंगे वृत्ति पर क्या वृत्ति कह रही है वृत्ति कह रही है जय परस्य अर्थात जय प्रत्याहार से पर में हस्य यानी हकार के स्थान पर वा जो बात अन्य श्याम ने कही थी वो बात वा ने कह दी वहां शास्त्रकार ने अन्य श्याम लिख दिया यहाँ पर वाह लिख दिया कई बार ये विचार उठता है जब हम भी शुरू में पढ़ते थे हमें भी उठा था ये विचार कि ये शास्त्रकार क्या करते हैं वाह ही लिख देते सब जगह एक नया शब्द क्यों तो वो हमें सिखाना चाहते हैं नहीं तो हम अछूते रह जाएंगे व्याकरण जगत में बहुत सारे शब्द हैं कैसे सीखेंगे तो उनको सीखने के लिए कभी वो विभाषा प्रयोग कर देंगे कभी वाह प्रयोग कर देंगे कभी अन्य तरह से प्रयोग कर देंगे ताकि हमें पता चले इनका भी वही मतलब है पर्यायवाची प्रयोग करने का शास्त्रकार का यह एक कारण है कि वो हमें सिखाना चाहते हैं तो यहां पर देखो उन्होंने सूत्र में क्या लिख दिया और वृत्ति में क्या लिख दिया दोनों का अर्थ एक है तो यहां अब पूर्व सवर्ण की बात हुई है अर्थात पूर्व सवर्ण हो जाए इसके पहले भी हम कुछ पूर्व सवर्ण की बात देख के आए हैं तो पूर्व सवर्ण का अब हमें पता तो चल ही गया कि वर्ण की केवल दो ही दिशा है व्याकरण जगत में एक पूर्व और एक उत्तर जो पहले बैठा है उसको पूर्व कह देते हैं और जो बाद में बैठा है उसको उत्तर कह देते हैं तो ये दो दिशा है वर्ण की तो इन्होंने क्या कहा पूर्व सवर्ण है अर्थात जो पूर्व में बैठा हुआ वर्ण है उसके किसी सवर्णी को बैठा देना है किसके स्थान पर हकार के स्थान पर यह बात कहां से पता चली हमें वृत्ति से वृत्ति में क्या लिखा हुआ है हस्य है। हस्य मतलब सष्टी सष्टी का मतलब क्या होता है के स्थान पर है कि नहीं इस तरह से सरल बना देंगे एकदम लघु को चिंता नहीं करनी है आपने जो बोला था लघु की बात सरल बनाएंगे बिल्कुल सरलता से बोध होगा लघु का ऐसी बात नहीं ये तो हमारे हाथ में है अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान तो आपके हाथ में है लेकिन लघु का तो कम से कम करा देंगे अच्छा तो फिर वृत्ति कह रही है तो वृत्ति के कहने के अनुसार हम एक उदाहरण ले लेते हैं जो इसमें दिया हुआ तो उदाहरण है वाक ककार जो है इसमें हलंत है ककार जो है इसमें हलंत है वाक धन हरी अच्छा हरि के लगभग बारह अर्थ हम पीछे देख के आए थे नहीं देखे हों तो आप समझ लेना हरि के अर्थ भगवान विष्णु भी है हरि का अर्थ बंदर भी है हरि का अर्थ शेर भी है हरि के बड़े अर्थ हैं लगभग बारह अर्थ हरि के हैं तो हरि का यहां पर आप अर्थ समझना समझो जो वाक यानी वाणी और हरि माना शेर यानी चतुर वाणी का जो शेर हो यानी चतुर हो हाँ बोलने में बहुत लोग बड़े चतुर होते हैं काम कुछ करे ना करे चतुर बहुत होते हैं <laughs> तो वाक वाकहरी <laughs> तो अब यहाँ वाक धन हरी ऐसा रूप है तो एक तो आपको स्पष्ट हम अगर ये कह दें कि वाक एक पद है यदि हम ये कह दें किसी भी व्यक्ति को कि हमने जो वाक धन हरी लिखा है इसमें क्योंकि अभी आप लोगों को पदों का उतना ज्ञान नहीं हो तो हम बता दें कि भाई वाक एक पद है तो जैसे ही हमने वाक एक पद कहा आपके दिमाग में कोई सूत्र प्रस्तुत होता है कौन सा सूत्र लगा दें यहाँ पर यदि हम ये दें कि वाक एक पद है को सूत्र प्रस्तुत हो रहा है झलाम जसवंत झलाम सुनते लग रहा है ना हाँ तो झलाम सुनते क्या कहता है झलो के स्थान पर जसो और जस में जस में क्या है जबगढ़ जबगढ़ दस जो, जो, जो जस में है तो ककार के स्थान पर क्या बैठेगा ककार का क्या कुर्जन नाम कंठा उधर कंठ का कौन है नहीं जबगढ़ दस में कौन है जब गढ़ में जस आदेश करना है ना गकार गकार है ना क्योंकि वो भी तो कवर्ग में ही है तो ये फिर तो ये आगे जब लेके चलेंगे तो ये हो गया वागधन धन हरी तो ये तो हमारे पुराने सूत्र के अनुसार ही हो गया इसमें तो हमने कोई नया कार्य नहीं किया अब झयो हो अन्य तरस क्या करेगा अब वह कार्य यहां शुरू होता है अब ये देखिए आप ये गकार झय प्रत्याहार में आता है क्या झ प्रत्यार के वर्ण कौन कौन से हैं जरा स्पर्ण दिलाओ हमें भी ठीक है आगे आगे भी होगे ना कुछ ज आगे भी होंगे ख इस तरह तो से है कि नहीं है कितने वर्ण हैं टोटल थोड़ा दिमाग में मस्तिष्क में चलाओ देखो कौन पहले बताता है देखते हैं आज पहले कौन बताएगा में वर्ण बताएं कितने हैं दिमाग से के बताओ पुस्तक ना देखना हाँ बीस है अच्छा ठीक कपाया तक जा रहे हैं ना कपाया तक जा रहे हैं तो यमगणम तो रह गया एक वर्ग पीछे छूट गया ना तो हाँ पांचवों को छोड़ के बाकी के चार वर्ण आ गए है कि नहीं तो ये बीस वर्ण है इसमें अच्छा जी तो अब के स्थान पर हमें किसको बैठाना जाय, जाय से पर में क्या है हकार हकार और हकार के स्थान पर हमें किसको बैठाना है सवर्ण को तो पूर्व में ये गकार है तो गकार के सवर्णी कितने हैं उसके वर्ग की देख लो आप ज्यादा नहीं जाओ तो उसके वर्ग के ही देख लो गकार, गकार के वर्ग किस वर्ग में आता है गकार पूर्व सवर्णी बैठाना है ना हकार के स्थान पर हाँ, नहीं वो नहीं इसके कौन कौन से है का खा गवर्णी गा, गा। कौन कौन से हैं इसके सवर्णी गकार के का खा गा, गा अच्छा अब मुझे ये बताओ आप ये सब कहा बैठे हैं कंठ पे और हकार के स्थान पर बैठाना है हकार के स्थान पर बैठाना है ना तो हकार के स्थान पर फिर क्या क्या बैठाने गए तो हकार के कहा बैठा है हकार भी कंठ में बैठा है, है। तो व्यवस्था तो बनी नहीं ना व्यवस्था इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये बैठे हैं पांच और वो है अकेला एक अब बैठाना तो एक के स्थान पर एक ही है ना कुर्सी एक है कैंडिडेट दस है तो चुनाव करना पड़ेगा नहीं करेगा है हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो कहते थे इलेक्शन मीन सिलेक्शन ऐसे बोलते थे जब हम ट्वेल्थ में पढ़ते थे बारहवीं में बोलते थे मैंने कहा सर इलेक्शन आगे बोले इलेक्शन मीन सिलेक्शन यानी अब इसका चुनाव करो अर्थात तो अब चुनाव करना पड़ेगा तो चुनाव कैसे करेंगे आप चुनाव के लिए आपने स्थान तो देख लिया स्थान देखने बाद अब हम आते हैं फिर दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न प्रयोग की अब पहले हकार का, ही देख लो आप। हकार का थोड़ी तैयारी तो आप भी करे हुए हो है? एक्टिव तो हो आ, बताओ बताओ नहीं बताओ हकार का स्थान बताओ अभ्यंतर प्रयत्न सॉरी अभ्यंतर प्रयत्न बताओ हकार का ये थोड़ा ऊपर से मिटा रहे हैं विभक्ति वाला पार्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि बताओ अभियंतर प्रयत्न बताओ फटाफट अभ्यंतर प्रयत्न बताओ हकार का आप वो फोन पे आप बताओ बोले हकार का अभियंतर प्रयत्न हकार का अभियंतर प्रयत्न हाँ ये तो कल से ही रट्टे मारे बैठे हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है <laughs> तो इसका है ईशन विवृत अच्छा और ये जो बाकी के हैं कवर्ग वाले जो हैं एक आगे कवर्ग आगे ये नाम स्पर्शा नाम स्पर्शा नाम वो किसमें होता है स्पर्श स्प्रष्टम ये बोलना चाहिए ना जो अब बोला तो व्यवस्था फिर भी गई अर्थात अब नहीं बैठा सकते व्यवस्था नहीं बनी नहीं सीधे हमें उसी तरह से कल की तरह से कहा जाना पड़ेगा बाह्य प्रयत्न में बाह्य प्रयत्न में तो बाह्य प्रयत्न अब फटाफट बताओ हकार का बाह्य प्रयत्न क्या है हकार का बाह्य प्रयत्न अब बाह्य प्रयत्न की तरफ चलती है गाड़ी घोष क्या आकार का विवार वार। किस कारण से खरो तो खर में आ गया ये हम्म लिख दिया मैंने अब काटूंगा इसको मैं हम्म खर में आ गया क्या बताओ फिर हम्म आप बताओ फोन पे वो आपको याद हो तो बताओ नहीं तो कल आपने काफी बताए थे हाँ क्योंकि ये किसमें आया हस में आई बात समझ में ये किसमें आया हस में हस प्रत्यार ना, में तो क्या हो गया इसका संवार नाद घोष प्राण भी बताइए इसका महाप्राण महाप्राण क्यों है कारण भी बता दीजिए सबकी आवृत्ति हो जाएगी कारण ये है हैतुर्थ महाप्राण महाप्राण है ऑनलाइन वाले भी भेज रहे हैं फेसबुक वाले भी फटाफट भेज रहे हैं वो भी तैयार सब हो रहे हैं चलो पीछे के सूत्र पढ़ने से अब तुल्स प्रयत्न तो क्लियर हो गया सब लोगों को अब ये लग रहा है कि तुल्यास प्रयत्न में तो सब पक्के हो गए हैं मतलब वो भूल जाते हैं ना फिर से आवृत्ति हो गई है अब कवर्ग के जो वर्ण है उसमें काका बता दो पहले मुझे क्या है काका पहले ये बता दो ये कौन से में आता है संवारनाथ घोष में आता है विवार में आता है किस में आता है ककार ककार खर में खर में आ गया तो खर का मतलब खर का मतलब हो गया विवार अघोषा अघोषा विवार श्वास अघोषा तो प्राण देखने की इसकी जरूरत नहीं है तो पहले टेस्ट में फेल हो गया गकार का भट, खकार का बता दो खकार भी ये किस में आता है खर में। ये खर में आता। तो इसका भी वही है तो टेस्ट में तो ये भी फेल हो गया फिर अच्छा गकार का बताइए ये।, ये भी फेल हो गया ये भी फेल हो गया गकार का बताइए गकार नाद घोष संवार नाद घोष क्यों क्यों किसके कारण हसा के कारण, जी हाशा हाशा के कारण? जी। अच्छा प्राण बता दीजिए फिर फटाफट इसका इसका है अल्प प्राण किसके कारण प्रथम तृतीय पंचम अल्प प्राण तो टेस्ट से कहा जाके फेल हुआ कुछ चीज तो मिल गई इसकी प्राण में जाके फेल हो गया है ना प्राण।, प्राण में फेल हुआ अर्थात संवारनाद घोष तो मिल गए थे घकार का बता दीजिए फटाफट इसका भी घोष और प्राण महाप्राण महाप्राण अंगकार का बता दीजिए गकार का वकार का।, का भी संवार नाद घोषा अल्प प्राण अर्थात फिट कौन सा बैठा केवल घकार कौन सा फिट बैठा क्योंकि इसका संवारनाथ घोष महाप्राण है और हकार का भी घोष महाप्राण है तो कौन हो गए सवर्ण यहाँ पे सही प्रकार से हकार और घकार ठीक तो उसको बैठा देंगे यहां पर बस हो गया काम और विकल्प से बैठाना है एक रूप में बैठा देंगे एक रूप में बैठाएंगे नहीं ऐसा कैसा छोड़ देंगे तो वाघ हरी हमारा था तो घकार तो हमारा ऐसा ही रह जाएगा और हकार की जगह परिवर्तन होगा क्योंकि हस्य हा के स्थान पर हो रहा है तो क्या हो गया परिवर्तन हा के स्थान पर घकार घरी बन गया तो रूप क्या बन गया वाघ घरी विभक्ति लाएंगे तो वाघ घरी ही ऐसे हो गया और दूसरा रूप क्या रह गया जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई ऐसा कैसे ही रह गया हो वाघ हरी ही वो ऐसा कैसा ही रह गया ना क्योंकि उसमें कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है हमें वो ऐसे ही छोड़ना है तो दो रूप बन गए वाघ घरी ही वाघ हरी ही देखो पुस्तक में यही दो है अच्छा ठीक है इससे तो अधिक इसमें बनेंगे भी नहीं टिप्पणी टि एक नंबर एवं च वर्ग टवर्ग तवर्ग, तवर्ग पवर्ग परस्य हस्य झकार ढकार धकारा भवंती कर्मेण अज अच्छा कुछ उदाहरण भी दे दिए इन्होंने इन्होने डलानी तदीव बस्ती चलो ठीक है वागीश्वर ठीक हाँ अच्छा तो जयो सूत्र आपका हो गया ठीक है आगे चलते हैं कठिनाई होगी नहीं इसमें तो क्योंकि ये परीक्षा होनी थी मुख्य बस और तो कोई ऐसी बात नहीं थी इसमें पूर्व स्वर्ण होना था आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना तो अंधेरा सा छाया हुआ है, है ना तो इधर भी लाइव वालों को बेचारों को कितना दिख रहा होगा हमें नहीं पता क्योंकि अंधेरा हुआ है कमरे में ही अंधेरा है आज ये तो व्हाइट है बोर्ड थोड़ा दिखता है फिर भी अदरवाइज ब्लैक बोर्ड या कुछ फिर कई बार नहीं भी दिखता अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं शोटी छोटी ये सूत्र बड़ा मजेदार सूत्र है शस छोटी बहुत जगह खड़ा रहता है ये सश छोटी सूत्र कौन सी संधि है महाराज जिसमें पढ़ी पढ़ाई पढ़ी पढ़ाई जैसे झटपट बताते हैं ना आप भी बता सकते हैं आगे भविष्य में धीरे धीरे हो जाएगा सीखते सीखते हो जाएगा शुरू में ये संधि आपके सामने नहीं हुई ना इस वजह से थोड़ा आपको लगता होगा लेकिन आप बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे भूमिका बन जाएगी तो उसमें चिंता नहीं करना आप ये कितने नंबर सूत्र है आठ चार तिरसठ अभी जो सूत्र होते हैं बस उनको रोज थोड़ा वीडियो उपलब्ध होता है वीडियो के माध्यम से देख लें, है ना जाकर तो आपको उसका रिवीजन हो जाएगा अच्छा वही पहले हम पदों को देखते हैं सस छोटी के भी पद देख लेते हैं हम सकार एक पद है इसमें शह शह करके एक पद है और छोटी में फिर छकार एक पद है और फिर अटी एक पद है तीन पद हैं ये तो वंग पदांत था ना इसके कारण टूट गया है तो इसमें कोई एक बात है ही नहीं दो पद इसमें ष्टयांत है शह और छह और तीसरा जो है वो सप्तमी है आप देखते ही आ रहे हैं पहले से अची इत्यादि की तरह तो सूत्र में तीन पद है और इसमें अभी हमने सूत्र पढ़ा कौन से क्रमांक पे था आठ चार बासठ और यह है आठ चार तिरसठ तो झयो अन्यत्र श्याम से इसमें झय की अनुवृत्ति भी आ रही है क्योंकि देखो शुरू में झय परस्य से सय दिख गया ना एकदम तो उससे उस इसकी इसमें अनुवृत्ति आ रही है दो पदों की आ रही है एक तो झय पद की अनुवृत्ति के लिए थोड़ा इंक बदल देता हूँ एक तो पद की आ रही है एक अन्य तरह से हम इसमें भी है यह भी विकल्प से कार्य करेगा ठीक है तो हाँ दोनों पदों की अनुवृत्ति आ रही है एक ही सूत्र से आ रही है जो भी हम पढ़ के आए हैं कौन सा अभी पढ़ के आए हम इसके ठीक पहले का सूत्र है अर्थात आठ चार बासठ का सूत्र है अब सूत्र का अर्थ करने में हमें कोई कठिनाई नहीं बचेगी क्योंकि पद पता चल गए हैं और और कोई जो विशेष कोई पद आ रहा है उसका भी पता चल गया है जय परस्य इसमें भी वही बात है जय से पर की बात है जय परस्य सकार के स्थान पर छकार हो सकार के स्थान पर छकार हो वाटी, विकल्प से हो यानी बाद में अट भी हो अट प्रत्याहार अर्थ क्या हुआ जय से परे यानी जय प्रत्याहार के वर्णों से परे शकार को यदि शकार कोई वर्ण आ जाए शकार शकार वर्ण को विकल्प से छकार हो जाता है लेकिन वो जो शकार वर्ण है वो कैसा हो जिससे पर में कोई अठ प्रत्याहार का भी वर्ण बैठा हो ठीक है यानी वो ऐसा नहीं हो कि साधारण शकार हो उस शकार के बाद भी कोई ऐसा वर्ण बैठा हो जो अठ प्रत्याहार में आता हो अब अठ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं हयावर अठ तक जाएगा कि नहीं जाएगा कितने हो गए वर्ण जरा मस्तिष्क लगा के बताओ नो तो अच्छ हो गए ऐसे गिनना चाहिए नो तो अच्छ हो गए गिनने का तरीका है ना ऐसे गिनने का तरीका तो यह भी उसके बाद में बैठे हो शकार के तब वो परिवर्तन करेगा नहीं तो परिवर्तन नहीं करेगा और परिवर्तन क्या करना है विकल्प से परिवर्तन करना है सकार के शकार के स्थान पर छकार बैठाना है ठीक है तो अब इसमें रूप इन्होंने क्या दिया है तत्शिव तत्शिव अच्छा वो इसीलिए दिया है तत्शिव तत्शिव विकल्प से क्योंकि कार्य हो रहा है इसलिए वो दो रूप इसमें बन रहे हैं तो रूप है हमारा तद आपको दिख रहा है मुझे तो पास होने के कारण दिख रहा है मुझे आपका नहीं पता क्योंकि थोड़ा अभी अंधेरा बढ़ गया है तद धन शिव तद धन शिव तद आपको पता है वह के लिए अच्छा शिवा ऐसा तो यहां पर पहले क्या होगा कि तद धन शिवा में चाहो तो आप जो पूर्व में हमें सूत्र प्राप्त हैं वो सूत्र आप लगा सकते हैं देखो सोच सोच के कौन कौन से सूत्र इसमें दिख रहे हैं आपको मिल सकते हैं तद धन शिवा में कौन कौन से सूत्र पूर्व के पड़े हुए आगे के नहीं पूछ रहा हूं आपसे पूर्व का पड़ा हुआ कोई सूत्र यहां पर लग रहा है आपको पूर्व का पड़ा हुआ गलत भी बताओगे कोई बात नहीं है लेकिन कोशिश करोगे मुख्य बात वो है क्योंकि अभी हम आगे आ गए हैं तो अभी प्रस्तुत थोड़ा चीजें होनी चाहिए तद धन शिव में ये दकार किसी प्रत्याहार में आता होगा इससे संबंधित कोई होगा ये शकार आगे बैठा है यानी पर्निमित इसमें शकार है पूर्णिमित इसमें दकार है ऐसी कोई चीज है जो हलोम जशवंते चलो ठीक है और बताओ कुछ वो तो सामान्य सूत्र है झलाम जसवंत तो कहीं भी लग जाएगा ऐसे लेकिन जो विशेष सूत्र होता है उस पर ध्यान देना है, तो जी। आ, का योग है। हाँ जी हाँ जी इसमें क्या है सकार सकार तवर्ग के साथ शकार चवर्ग का योग मिल रहा है सुनास्तु तो सूत्र प्राप्त है सकार तवर्ग के साथ में शकार चवर्ग मिल रहा है तो क्या करवा देगा यहां पर फिर परिवर्तन नहीं दकार के स्थान पर क्या कर देंगे महाराज जब ऐसा मिल जाता है सकार तवर्ग के साथ में शकार चवर्ग का जब योग मिल जाता है तो तवर्ग में क्या परिवर्तन कर देगा जकार यानी कि चवर्ग कर देगा तो चवर्ग में देखेंगे उदहन से तो त, थ, ध, और चकार में देखेंगे च चा, 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 तो उधर से तीसरे नंबर पे इधर से तीसरे नंबर पे हो गया दोनों का मिलन हाँ बिल्कुल यथा संख्यम अनुदेश समानाम।, समानाम तो क्या बन गया ये तज शिव तज शिवा किस सूत्र के अनुसार बना स्थो नाचु से अच्छा जी अब फिर देख लीजिए कोई सूत्र प्राप्त है क्या आपको आवाज आ रही है ना फोन पे हमारे बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है इसलिए हमें थोड़ी चिंता होती है कि पता नहीं आवाज बीच में बिल्कुल हाँ में। हाँ बीच में वो थोड़ा आज तो लाइट है भी नहीं तो कि हम चार्जिंग पे इसको नहीं लगा सकते ये करता है कभी ऐसा अच्छा अब हमने लगा दिया इसमें ये तो समझ में आ गई ना बात आपको तद से तज बना दिया इसको अच्छा अब फिर एक और सूत्र हमारा पढ़ा हुआ ही प्राप्त है पढ़ा हुआ यदि पढ़ा हुआ नहीं होता तो हम नहीं पूछते आपसे फिर हम स्वयं बताते बताइए अभी स्थिति है तज धन शिव जकार है और पर में शकार है कौन सा सूत्र अभी लग रहा है और और हमें प्राप्त हो सकता है झरोझरीवर्ण झरोझरीवर्ण क्या कहता है झर के पर में झर हो और हल के पर में हो चलो हल तो हमने जकार मान लिया झल में हमने क्या माने झल में हमने शकार मान लिया और झल के पर में फिर फिर हमें जो इकार मिल गया झल तो नहीं मिला झर तो नहीं मिला नहीं मिला ना ऐसे और सोचिए ये क्या स्वामी जी सात क्यों लगेगा सात तो क्या कहता है सात की वृत्ति कहती है शकार से परे योग में बात नहीं करता सकार सात अच्छा हाँ उसमें क्या कहा कि वो सकार को पूर्व निमित्त में मांगता मतलब पर में नहीं बैठा योग में काम नहीं करेगा योग तो दिख रहा है आप ऐसे कहोगे योग तो दिख रहा है लेकिन योग पे काम ही नहीं करता साथ इसलिए सात सूत्र का विशेष ध्यान रखा करो कौन सा बताओ बताओ ना पदांता ना टोर नाम कैसे करेगा ना पदांता टोर नाम बताओ ना। क्या करता है ना पदांता टोर नाम वृत्ति क्या कह रही है वृत्ति देख लो भले कोई ऐसी बात नहीं है आज तो वैसे भी दिख कम ही रहा है अंधेरे में आपको भी दिख नहीं रहा होगा न पदांता टोर नाम क्या कहता है अरे भाई खरीचा सूत्र पढ़ा था खरीचे की खरीचे की वृत्ति याद करो जरा तो क्या मांगता है झल और झल से पर में क्या मांगता है खर और फिर आदेश झल को क्या कर देता है चर तो इसमें ये देखो जकार झल में आता है क्या जकार झल में आता है कि नहीं आता आता है, यार इती। यार इती। आता है। और झल से पर में ये सकार खर में आता है कि नहीं आता दोनों शर्त मिल गई कि नहीं मिल गई तो झल को आदेश क्या करना है, इता है। चर और उसका शॉर्टकट क्या बताया था आदेश करने का शॉर्टकट आप बताओ फोन पे है क्या शॉर्टकट बताया था जिससे परीक्षा ना करनी पड़े खरीचे में एक शॉर्टकट बताया गया था।, में हाँ, ये बताया था कि आपको इसमें परीक्षा नहीं करनी पड़े नहीं तो फिर परीक्षा करनी पड़ेगी अब चर बैठाएंगे चर के वर्णों को बैठाएंगे इतने सारे वर्णों के झलों के स्थान पर बैठाएंगे फिर पहले झलों की परीक्षा करो फिर चरों की परीक्षा करो फिर बैठाओ तो ये खरीचे सूत्र में एक शॉर्टकट बताया था ये बताया था कि जल के स्थान पर जिस जल के स्थान पर चर करेंगे उस जल को ये देख लो वो जल है किस वर्ग का और उसी वर्ग का प्रथम वर्ण बैठा दो अब ये जल जो है जकार किस वर्ण का है चवर्क का है का है चवर्ण 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 तो इसका मतलब इसके स्थान पर क्या आ जाएगा नहीं नहीं चकार महाराज चकार चकार खरीचे में शॉर्टकट बताया था याद आ रहा है ये कहा था जिस जिस वर्ण का झल बैठा हुआ हो ना उसी उसी वर्ण का आप उसी वर्ग का का ये का है ना तो उसी का प्रथम वर्ण रख देना आपको परीक्षा नहीं करनी पड़ेगी तो ये अब क्या बन गया रूप तच शिव तच से इसको लोग इसको लोग शॉर्टकट बना देते हैं कई बार लेकिन मैंने इसको शॉर्टकट नहीं लेके चला अब कई लोग ये कह सकते हैं हमें कि फलानी जगह हम पढ़ रहे थे ठिकानी उन्होंने तो ऐसे नहीं बताया तो भैया उनको समय नहीं होगा उनका मूड नहीं होगा पूरी डिटेल बताने का उसमें मैं क्या कर सकता हूं मैं तो आपको एक एक चीज लेके चल रहा हूं जितनी मुझे जानकारी है मैं वो पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं जितनी मेरी पढ़ाई है उतनी पढ़ाई के हिसाब से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं छोड़ना नहीं चाहता अपने ज्ञान को पूर्ण रूपे अच्छे ढंग से आपके अंदर उतारना चाहता हूं तो अब स्थिति क्या बन गई तच धन शिवा और कई लोग डायरेक्ट शुरुआत यहीं से करते हैं और यहीं से छोटी लगाते हैं यहीं से छोटी लगा देते हैं लेकिन ये पहले से देखो ना तद से चला तो एक रूप का हमारा तद से जब लेके चलेंगे हमारी एक दुरानी हो गई फिर हमने देखा ये थोड़ा सा घिसाई हुई तो हमें पता चला खरीच है कि हमारी दोहरिनी हो गई अब तत्शिव को अब लो अब यहाँ पे तत्शिव की स्थिति में सस छोटी लगा लेते हैं अब सस छोटी की वृत्ति देख लीजिए सस छोटी की वृत्ति क्या कहती है कि जय परस्य चकार जय में है स्थिति बन गई तच धन शिवा समझ आ रहा है ना आपको फोन पे तच धन शिवा स्थिति बन गई तो चकार किस में आ गया चकार झय में आता है कि नहीं आता झय में और झय से पर में शकार है कि नहीं है और शकार के बाद क्या है इकार शिव है, शिव है ना तो इकार अठ प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता आता है तीनों बातें मिल गई क्या मिल गई पूर्व निमित्त हमें मिल गया झय झ्याहार का वर्ण पर निमित्त में हमें ऐसा शकार मिल गया जो अठ परक हो अठ परक कह दिया हमने इसको यानी पर में अठ है जिसके शकार कैसा है अठ परक वाला अच्छा तो फिर क्या करना चाहिए शकार के स्थान पर छकार सूत्र क्या कह रहा है सकार के स्थान पर क्या कर दो छकार थोड़ा ये मिटा रहे हैं ऊपर वाला नहीं तो नीचे दिखेगा नहीं जो वीडियो में देखते हैं जो लोग तो फिर किसके स्थान पर होना है ये चकार तो ऐसे ही रह गया सकार के स्थान पर परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया छिव है कि नहीं तो रूप क्या बन गया तच और दूसरे पक्ष में जहां पर सकार के स्थान पर छकार नहीं होगा पर पर शकार के स्थान नहीं होगा क्योंकि विकल्प से कार्य कर रहा है वहां पर क्या रह गया रूप शिव तो रूप दो बन गए तिव शिव इसमें एक कोई से देख रहे हैं वीडियो देखते हैं वो ये उनका फेवरेट सूत्र है सच छोटी उन्होंने कई बार इस पर खूब चर्चा की हुई है हमसे तो दो रूप बने एक रूप बना तथ शिवा दूसरा रूप बना तथि एक में एक में छकार बन गया शकार से एक में कार बन गया अच्छा अब इसी में क्या होता है एक रूप आप लोग बार बार देखते हैं ये थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसी को देखते हुए श्री मद धन या आगे बिना धन भी नहीं लिखो शंकरा ये है अब ये दकार झल में है क्या झा झे में है क्या ठीक है और शकार पर में मिल गया और शकार के बाद में शकार में अकार है अकार है तो वो अटका है कि नहीं है शकार अटका है अर्थात यहां पर शकार का क्या बन जाएगा शकार तो रूप क्या बन जाएगा ये शंकराचार्य और विकल्प पक्ष में क्या ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा तो ये दोनों रूप ही ठीक हैं कई बार लोग ज्यादा व्याकरण पढ़ लेते हैं तो वो शंकराचार्य को हर जगह शंकराचार्य बनाना चाहते हैं भैया एक रूप जो है वो विकल्प का भी तो होता है उसको भी तो याद रखो तो जहां श्रीमद शंकराचार्य लिखा हुआ है वह भी ठीक है और जहां श्रीमद शंकराचार्य लिखा हुआ है वह भी रूप ठीक है अच्छा ये छोटी का बात आ गई अब इसमें वार्तिक आके खड़ा होगा अभी देखना वार्तिक क्या चमत्कार करेगा यहां तक बात थी हमारे भगवान पाणिनि जी की अब यहाँ पर वार्तिककार आके कुछ बात कहेंगे जो बात छूट जाती है अथवा उक्त अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते वार्तिक की परिभाषा है ना ये तो वो हमेशा चिंतन करते रहते हैं कि कोई नई चीज कोई लानी है तो वार्तिक में क्या कह रहे हैं वो भी देखिए ये तो इन्होंने जो तद शिव दस्य शुचुत्वन जकारे कृते खरी चेती जकार से चकार ये वही बात कही जो हमने आपको पढ़ा दी तद शिव रूप था उसमें दस्य हुआ शुचुत्वेन हुआ दकार को सुचुत हुआ और फिर उससे वो जकार से फिर खरीच है वो सब लगा के जो हमने बताई वही बात इन्होंने इस पंक्ति में कही आगे बढ़ते हैं अच्छा दो नंबर टिप्पणी क्या है तत् पे ये भी एक बार अच्छा तस्य शिवा ठीक है ठीक है उसके शिव ठीक है वो तो ठीक है आगे आगे वार्तिक आ रहा है छत्वमिति वाच्यम।, वाच्यम देखो ये छत्वमिति वाच्यम देखो बड़ा बढ़िया वार्तिक है इसमें इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो बात इनसे छूट गई थी ये क्या कह रहे हैं छत्व में छत्वम यानी छकार छत्वम यानी छकार यानी वो कह रहे हैं और उदाहरण उठा रहे हैं वो तत्श्लोक का एक प्रमाण दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जय से परे आपने ये बात कही छत्वम विवाच्यम का मतलब ये है स्वार्थिक का जो वार्तिक कार कात्यायन जी वरुचि वर जी दोनों पर्यायवाची नाम है जो लेके आए वो कह रहे कि पदांत से परे आपने शकार को छकार आदेश किया वो भी अठ के परे रहते बोले केवल अठ मत लो दो चार वर्ण थोड़े और बढ़ा दो क्या बढ़ा दो बोले आप अम तक ले लो छत्व मिति वाच्यम छत्वम अमित वाच्यम अर्थात क्या कह रहे हैं कि अट मत कहो आप जो आप शकार के परे अट प्रत्याहार तक ले रहे हो अट में तो आपने के हावर तक ले लिए आप अम तक ले लो यानी को और ले लो आप उसको भी उसके साथ ले अर्थात आप, आप जो ये कहते थे कि शकार जो हो वो अट परख हो उसको आप अट परख ना कह के अम परक मान लो और ले लो पांच वर्ण पांचवर्ण पांचवर्ण बढ़ाए ना उन्होंने यमगणनम वाले अब पांच वर्ण के बढ़ाने का बोले क्या लाभ है बोले लाभ ये है कि यदि कोई ऐसा पद आ गया तद श्लोक तद श्लोक कोई पद आ गया ऐसी कोई संधि आ गई तद श्लोक तो ये यहां जय तो मिल गया चलो आपने ठीक किया यहां सकार भी मिल गया लेकिन इस सकार के परे अट ना मिला ये तो अट से कुछ आगे का मिल गया अट से आगे का क्या मिल गया अट से आगे का लण का ला मिल गया यदि आप अम ले लोगे तो पांच नहीं छह बढ़ा दिए थे लणका लाभ बढ़ाया था ना छह बढ़ाए तो इसके बाद में अम मान लोगे आप आप अट यदि आप अट मानते रहते तो संधि यहां बन नहीं सकती थी सकार को छकार नहीं हो सकता था लेकिन जब आपने अम मान लिया तो अम के मानने से क्या हो गया यहां पर मकार के मानने अम मानने से छह वर्ण और बढ़ गए यम गण वाले और लकार भी लकार पर में आने पर भी आप ऐसा कार्य कर लो समझ में आ रहा है फोन पे आपको आ रहा है जी तो फिर रूप क्या बनेगा सकार को यहां भी क्या हो जाएगा छकार छकार क्या हो गया छकार अच्छा तद में पहले वही सूत्र लगा लो तद में जैसे हमने अभी लगाया था दकार से पहले क्या बनाया था इसको चकार बना लिया था ना, ना दकार से दकार से चकार बनाया था ना हाँ चुना तो वो बना लो यानी इसको तच ले लो अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कैसे तथ से तद से वो सब प्रक्रिया कैसे आई थी वो सब आपको बताने की जरूरत नहीं है तद और श्लोक में अब शकार के स्थान पर यह भी क्या है छकार हो जाएगा क्योंकि वार्तिक ने यहां पे बढ़ा दिया तो तद श्लोकेन ऐसा कोई रूप था तद श्लोकेन उसके लिए उन्होंने बोला तो तद श्लोके हो गया तद श्लोकेन है और ध्यान रखना यह शकार जो था वो छोटा था उसमें आकार नहीं था तो जो रूप बनेगा वो भी छकार जो होगा वो हलंत वाला होगा गड़बड़ हो जाती है ऐसा कई बार कि शकार जो था ये श्लोक में जो सकार है वो हलंत वाला है डंडा नहीं है उसमें आकार नहीं है यदि आकार होता तो कहने की दिक्कत ही नहीं थी फिर तो अट हो गया था वो लेकिन वो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तो फिर वो इस तरह से बना और दूसरे पक्ष में यदि इसमें भी बनाना चाहे तो दूसरे पक्ष में तो ऐसा ही रह जाएगा तुम तच्छोक, तत्श्लोके बोल देंगे एक पक्ष में ऐसा हो जाएगा तत्श्लोक और एक पक्ष में तद श्लोके इस तरह से उन्होंने जो है यह स्पष्ट बात कही कि आप जो है इसमें हमारे कहने से अम जो है ले लीजिए इसमें आप वह न लीजिए खाली अट मत लीजिए तो ये सूत्र यहां तक आप लोग देख लें क्योंकि आगे का सूत्र उठाएंगे उतना समय नहीं है तो ये सूत्र आप यहां तक देख लें और एक चीज हम आपको कह रहे हैं इसमें कल तो अष्टमी है ना तो कल रहेगा अनाध्याय कल अष्टमी को अनाध्याय रहेगा तो एक बार आप अनध्याय के दिनों में रिविजन थोड़ा कर लिया करें और थोड़ा सा हम आपको इसमें आ, कुछ दे संधिया करके लाएंगे कुछ तो संध्या लिखी हुई तो है हमने कुछ तो संध्या दी पीछे के दो चार सूत्रों की चलो दे देते हैं लिख लो फटाफट थोड़ी संधि कर लेना पीछे के दो तीन सूत्रों से ही संबंधित है अब वीडियो पर देख लेना कोई दिक्कत नहीं जिसको जो नहीं लाया पुस्तक उसका कोई एक दे देते हैं हाँ आपके पढ़ा हुआ को दे देते हैं लेकिन आप रूप तो बना दोगे उसका जट से लेकिन संधि बताना कौन सी लगी दूराद आप ये पढ़ के आए हैं ना अभी दूराद हू ते हुते। ये आप बना के लाना है ये कैसे बना दूरा दूते किस सूत्र से बना ये बताना है ऐसे तो कोई भी कुछ भी बता देगा लेकिन सूत्र बताना है मेन बात वो है धन हीन अच धन हीन अच धन हीन ये है इसको बना के लाना आप और कोई है ऐसी जो आपसे बनवाई जाए हाँ और बनवा लेते हैं यावत यावत होता ना यावत तावत वो वाला यावत यावत धन शक्यम यावत धन शक्यम यावत धन शक्यम इस तरह की एक संधि है आप वो बना के लाना यावत धन शक्यम अगली है अगली संधि है तद धन तद धन तद धम श्लिष्ट तद धन श्लिष्ट सकार हलंत वाला है तद धन श्लिष्ट सकार हलंत वाला है जो सुन रहे हैं फोन पे उनके लिए बाकी जो देख रहे हैं उनको तो पता ही है तद धन श्लिष्ट ये भी बना के लानी है आपको और सकृत 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 धन श्लेषमा सकार हलंत वाला है सकृत धन श्लेषमा सकृत धन श्लेषमा ये आपको बना के लाने हाँ सकृत हाँ सक्री क्री सकृत धन श्लेषमा सकृत आप सकृत लिख लीजिए कैसे भी सकृत लिख लीजिए बाद में तवर गए ये मुख्य बात है सकृत धन अच्छा। श्लेषमा ये आप बना के लाए संधि और मेन बात है आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें सूत्र कौन सा लगा वैसे तो अंदाजे से बना देते हैं एक संधि आप बना के लाए शाह ये शाह हलंत है शाह। ये नीचे। ये 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 तकार माँ के इधर ये अच्छा ये ये तो वो है, ये वो वाला है ना मूर्धन्य मूर्धन्य शकार है मूर्धनी अंत है अंत है आधा है हाँ ठीक है रहे। तो ये संधि आप बना के लाएं, अधिक नहीं दे रहे हैं और इन सूत्रों का आप अब देखो क्या करना चाहिए हम तो ये देखते हैं मतलब हम अपना अभ्यास बता रहे हैं आप लोगों को आप लोगों को भी यदि ऐसा अभ्यास करना अच्छा लगे तो ऐसे किया करो जब भी हमारी छुट्टी होती है अध्याय अध्या, अनाध्याय होता है तो हम उन पाँच दिनों में जितने देखो हम अपने पढ़ने के समय का अभ्यास बता रहे हैं अभी भी करते हैं और जो पहले भी किया जो उन पांच दिनों में छह दिनों में सूत्र पढ़ाए जाते हैं उनको एक बार आंखों में को निकाल लेते हैं छह दिन में माना अठारह सूत्र हुए तीन सूत्र रोज हुए या बारह हुए पंद्रह हुए सोलह कितने भी हुए उसमें जो है हम उसको देख लेते हैं आंखों में को निकाल लेते हैं और उसको हम आंखों में के निकाल के देख लेते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं जो हमसे चूक गया हो तो आप भी ये संधि तो बनाए लेकिन इन तीन चार दिनों में अभी जिसने नहीं कोई नहीं था उपस्थित तो वीडियो उपलब्ध है वीडियो से देख सकते हैं उससे आइडिया हो जाएगा कौन से पढ़े उनको निगाहों में वो निकालो कुछ दिक्कत हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं कल अनध्याय है संधि भी बनानी है और उसके साथ साथ पूर्व के सूत्रों को उनकी वृत्ति को उनके सूत्र को एक एक निगाह उनमें अच्छे ढंग से डाल रहे बैठे बैठे अपनी मौत से ठीक है चलो ओम कल नध्याय ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण पूर्णमादा पूर्ण मेंवशिष्य ओम शांति 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 बूंद आ रही है किसी के पास छाता ना हो हमारा ले जाओ good